मतलब खुला। अब तो सच जानने की प्रयास थोड़ी तो शुरू करें। अभी तक हमारा नेता चरित्रकार अपनी असली इतिहास चरित्र हमसे छुपाया है और अब तक हमारी मस्तिष्क झूठी बातों से भरा पड़ा है और असत से पोषित किया है। उषा फिल्म चैनल की प्रोग्राम खुल्लम खुल्ला एपिसोड 1 में आज श्री पीएन ओक जी के बारे में जानने की प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक शोधों तथा कई सत्य हमारे सामने रखे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त इतने साल पश्चात अभी हमें पता चलने लगा है कि कैसे अब तक हमें धोखा दिया गया, सबसे छुपाया गया, इतिहास को कैसे झूठी बातों से बदल दिया गया है। श्री पीएन ओक जी ने कई ऐसी बातें बताई जो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से प्रमाण के साथ जाने जा सकते हैं। वे पूछते हैं, इस्लाम ने जिन जिन देशों पर हमला किया है उनमें से किसी एक देश में भी ताजमहल तो छोड़ो कम से कम एक महल या गुब्बारा कहीं बनाया है? इस्लाम जहां जहां अपना पैर रखा है वहां वहां केवल विध्वंस लूटपाट और उन महान संस्कृतियों का विनाशन के अलावा। उषा फिल्म चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इन बातों को आम आदमी तक पहुंचाने में शेयर को मेरी मदद करें। नगेश ओक जो पीएनओ के नाम से जाने जाते हैं एक प्रमुख भारतीय इतिहासकार व चारित्रक परिशोधक थे। उन्होंने हम सब भारतीयों की आंखें खोलने वाले महनीय थे, जिनके ऐतिहासिक शोध और उनसे प्रतिपादित सच्चाइयों ने नींद में जागती हुई भारतीयों का आंखें खोलने की मदद की है। उनकी प्रसिद्ध खोज थी जो महान भारत ताजमहल नहीं पर शिवालय तेजोमहल है। 8 साल से हम कई ऐतिहासिक खोजों में शिवलिंग व मूर्तियां बाहर आते देखते आए हैं और पीएन ओक जी हर बार अपना हंसता चेहरा दोहराते दिखते हैं। देखा, मैंने कब से यही बात कहता रहा, भारत का ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल कभी अमर प्रेम की प्रतीक थी, पर 1989 में पीएन ओक की ऐतिहासिक पुस्तक द ताजमहल द ट्रू स्टोरी के प्रकाशन के बाद पहली बार ताजमहल को लेकर विवाद शुरू हुआ। ऐतिहासिक शोधकर्ता पीएन ओक ने अपनी पुस्तक में प्रसिद्ध रूप से उल्लेख किया है कि मूल ताजमहल जो स्मारक के रूप में जाना जा रहा है भारत पर मुस्लिम आक्रमण से सदियों पहले 1155 में बनाया गया था। शाहजहां ने जयपुर के महाराजा जयसिंह के प्रसिद्ध शिव मंदिर व महल पर कब्जा कर लिया है और फिर अपनी पत्नी को स्मारक के रूप में महल तोहफा देकर उसकी मंदिर के मूलों को तोड़ मरोड़ दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्षता द्वारा बनाए गए भारत के विकृत और षड्यंत्रकारी इतिहास को पुनर्विचार कर फिर से भारतीय साहित्य व इतिहास की पुनर्रचना आज अत्यंत आवश्यक है। पीएन ओक कई ऐतिहासिक शोधों का आधार पर उदाहरण के साथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यूरोप में ईसाई धर्म और अरबों के इस्लाम धर्म दोनों भी हिंदू धर्म की कुछ विशेष शिक्षाओं से उत्पन्न हुए हैं। उनके अन्य शोध हमें बताते हैं कि क्रिश्चियन वैटिकन साथ ही साथ इस्लाम काबा, वेस्टमिनिस्टर एब्बे, फ्रांस के नोटरडाम और ताजमहल एक काल में हिंदू मंदिर थे। ऐतिहासिककार पीएन ओक अपने शोधों का विवरण दुनिया के सामने रखा है कि ये सभी विश्व प्रसिद्ध स्मारक कभी भगवान शिव जी के समर्पित हिंदू मंदिर थे। वह यह भी कहते हैं कि ईसाई धर्म और अब्राहमिक धर्म जिन्हें इस्लाम के रूप से जाना जाता है हिंदू धर्म से उत्पन्न हुए हैं और क्रिश्चियनिटी का पोप माने उनके साम्राज्य और उनके मुख्य पुजारी जो सारे विश्व में फैले हुए हैं। ईसाई धर्म वास्तव में उन प्रथाओं की प्रतिकृति है जो वैदिक पुरोहितवाद जो उस समय में व्याप्त थी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करने वाला ईसाई धर्म दुनिया का पहला वैदिक धर्म था और क्रिश्चियनिटी धर्म को पहले क्रिस्टिया नीति या कृष्ण नीति कहा जाता था। 1980 के दशक में श्री पीएन ओक ने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन संस्थान की स्थापना की और नेतृत्व किया जो त्रैमासिक प्रकाशन प्रकाशित करता था। पीएन ओक जी का तर्क है कि वैटिकन और काबा वास्तव में हिंदू मंदिर है।
हालांकि कई लोग उनके सिद्धांतों के संदर्भ में उनकी आलोचना करते रहते हैं। उनके तर्कों का अक्सर कई मायनों में, यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप से कई जगहों पर प्रमाणित खोज उनके तर्कों का समर्थन करते हुए उभर आए हैं। पीरनोक ने अपने शोध के विवरण के साथ अंग्रेज में 9 किताबें, मराठी में 13, हिंदी में 8 किताबें लिखी हैं। वर्ल्ड वैदिक हेरिटेज द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज, यह पुस्तक उनके जीवन भर का कई मेहनत और शोधों का सारांश प्रस्तुत करती है। श्री पीरनोक के प्रकाशित पुस्तकों की सूची जब हम आम आदमी के सामने रखते हैं तो लोग उनसे छुपाए गए कई सत्यों को उनके आंख खुल जाते हैं। अब तक उनके विचारों की सामग्री से स्पष्ट और छिपे हुए थे। कई सत्य उनकी आंखें खोल देती है जो अब तक उनके विचारों की सामग्री से स्पष्ट और छिपे हुए हैं। पीरनोक द्वारा लिखित पुस्तकों का विवरण, ये सारे पुस्तक आपको मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक में आपको पीडीएफ फाइल्स फ्री में डाउनलोड करने की चॉइस देती है। आप भी लिंक पर जाइए और पीरनोक जी के हिंदी पुस्तकों का डाउनलोड फ्री में करिए। यह पीरनोक कौन है? पीरनोक का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता उन्हें केवल संस्कृत में बात करते थे, उनकी माँ उनसे केवल अंग्रेजी में और उनका पूरा परिवार उनसे मराठी में, शहर के लोगों ने हिंदी में उनसे बात करते थे। इसी वजह से छोटी सी उम्र में ही 4 भाषाओं में सक्षम हो गए थे। डिग्री हासिल करने के बाद पीरनोक पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में एक अंग्रेज शिक्षक के रूप में काम किया था। फिर 24 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गए और उन्हें उसी साल सिंगापुर भेजा दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने के बाद श्री पीरनोक जी ने तत्कालीन इंडियन नेशनल आर्मी के आयोजक के रूप में भी काम किया, जिसने अंग्रेजों को हराया था। यहाँ साइगोन में रेडियो फ्री इंडिया के निदेशक थे और प्रस्तुतकर्ता भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संस्थापक सदस्यों में से भी ही थे। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेशनल आर्मी व्यवस्था का संस्थापक सदस्यों में से एक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्री पीरनोक जी ने सिंगापुर से कलकत्ता तक जंगल मार्ग के माध्यम से यात्रा की। कई देशों की सीमाओं को पार करते हुए जंगलों में फिरते हुए भारत वापस आए। 1947 से 1974 तक उन्होंने मुख्य रूप से पत्रकारिता में एक पत्रकार के रूप में हिंदुस्तान टाइम्स स्टेट्समैन के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे और अमेरिका दूतावास की सूचना सेवा में संपादक के रूप में भी कार्य किए थे। वे पेशे से लगभग अपनी पूरी जिंदगी नई दिल्ली में बीते थे। जय हो श्री पीरनोक।